संजय सिंह, यू वांट टू, आपने सुना होगा हर संघवी क्या कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के आने से एक तरह से अभी तक आपको कांग्रेस की बी टीम, सॉरी बीजेपी की बी टीम कह रहे थे, अब बीजेपी कह रही है आप कांग्रेस की बी टीम है। देखिए राजदीप जी, ये बहुत अच्छी बात है कि ये दोनों पार्टियां आपस में इसी तरह से गलतफहमी में रहें और हम लोग लगातार ए टीम बनते जाएं। दिल्ली में तीन बार 28 सीट, 67 सीट, 62 सीट लेके हम जीते, पंजाब में 20 सीट और उसके बाद 92 सीट लेके हम प्रचंड बहुमत से पंजाब में जीते, गुजरात में गए हैं तो ये कह रहे हैं कि हमें कांग्रेस लेके वहां गई थी। अरे भैया, इनका इतना गहरा रिश्ता है, इलू इलू वाला रिश्ता है, ये समझने की कोई बाहर से कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता है क्या? हर सांगवी से गुजरात के अंदर जी, एक 17 विधायक, नहीं नहीं इसको, नहीं नहीं ये कंप्लीट कर लूं मैं। अच्छा, राहुल जी, राहुल जी मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बोलिए बोलिए। गुजरात में 17 विधायक कांग्रेस के बीजेपी ने खरीदे, गुजरात में 17 विधायक कांग्रेस के बीजेपी ने खरीदे हैं। बीजेपी और कांग्रेस का तालमेल है, आम आदमी पार्टी का तालमेल है? चलिए, गोवा में 8 विधायक खरीदे, हम खरीदे गए थे, कि कर्नाटक में विधायक खरीदे, हम खरीदे गए, पसंद है कि वो आसान ऑपोजिशन है, हम खरीदे। जैसे कुश्ती का अगर बाउट हो तो वो ऐसा पहलवान है जिसको कि आप आराम से हरा देते हैं। आम आदमी पार्टी आपको अच्छी नहीं लग रही क्योंकि उससे पहलवानी करना ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए बीजेपी को कांग्रेस पसंद है क्योंकि उनको हराना ज्यादा आसान है। हर्ष सांघवी जी, कैन यू हियर? हर्ष जी, आपको आवाज नहीं आ रही है लगता है। राहुल जी, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? ये आम आदमी पार्टी के सांसद ये कह रहे हैं कि बीजेपी को कांग्रेस पसंद है क्योंकि कांग्रेस को दंगल में पटकनी देना आसान है, आम आदमी पार्टी ज्यादा लड़ती है इसलिए आपको आम आदमी पार्टी पसंद नहीं, कांग्रेस से आप सेटिंग कर लेते हो, उनके विधायक तोड़ देते हो, इसलिए आप चाहते हो कि कांग्रेस ही आपके खिलाफ मुख्य प्रतिद्वंदी हो आपकी। देखिए राहुल जी, मैं संजय जी की मानसिक परिस्थिति आज समझ सकता हूं। जिस प्रकार से पंजाब और दिल्ली के मध्यम वर्गीय परिवारों की मेहनत की कमानी इन्होंने गुजरात में प्रोपोगंडा में डाली और जिस प्रकार से आज ये जब रुझान आए तो निष्फलता मिली, तो इस प्रकार के बोखलाहट वाले स्टेटमेंट तो जरूर से उनके आएंगे, ये मैं, मुझे पता ही था, मैं उनकी परिस्थिति समझ सकता हूं। मैं संजय जी को मात्र आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूं कि आपके मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे कहीं प्रेम पत्र लिखते थे, हर रोज कोई ना कोई चैनल को लिख लिख के देते थे, वो पत्र मैंने बहुत अच्छी तरह से उसके फोटोकॉपी संभाल के रखी है। 8 तारीख को हम बात करेंगे, इस विषय पे भी बात करेंगे। संजय जी जवाब दीजिए, जनता और हमारे जो रिश्ते हैं, आप तो कह रहे थे 80 सीटें आएंगी, वो संदीप पाठक का पोल चल रहा था कि 90 से कम नहीं आएंगी। फोटोकॉपी हमारे पास ओरिजिनल पत्र है, अब आपके पास 9 से 21 ही आ रही है, कह रहे हैं आप तो इतने बड़े बड़े दावे कर रहे थे, उन दावों को ही हवा निकल गई, टेंट है फिस। जवाब दीजिए हर सांगवी को। संजय जी देखिए 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 राहुल जी, आपको याद होगा कि आपके चैनल ने 2013 में हमें 6 सीटें दी थी, हम 28 सीटों पे आए, उसके बाद 15 में हमको किसी सर्वे में 67 सीट नहीं दी गई थी, कोई 42 दे रहा था, कोई 33 दे रहा था, कोई 32 दे रहा था। चलो राहुल जी, 2 दिन और रुक जाते हैं, इन लोग को क्लियर हो जाएगा। हमको इस बार के चुनाव में बहुत सारे, अरे आपकी जीत के कारण तो राजदीप बदनाम होगा डांस करके और आप ऐसे बोल रहे हैं वाले। संजय जी बोलिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं पहले, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। दूसरी चीज, गुजरात की जनता से भारतीय जनता पार्टी के इतने गहरे रिश्ते हैं कि जहरीली शराब पिला के 75 लोगों की जान चली जाती है लट्ठा कांड में, इतने गहरे रिश्ते हैं कि 2 करोड़ का 12 लाख आज आप रुझान की बात कर लो, ये सब 150 लोगों की जान चली जाती है, 150 भी दे लेंगे, वो सब जवाब दे लिए आपको। 150 लोगों की जान चली, यही विषय लेके आप खड़ी बनाने वाले लोगों ने आपको खड़ा नहीं रखा, दे दिया इन्होंने, लोगों ने आपको खड़ा नहीं रखा। बनाने वाली ये कौन? संजय जी आप कई ये कौन? अरे अरे संजय जी, संजय जी, संजय जी, यही विषय लेके, यही विषय लेके आप अपनी बात गुजरात में आप कई दिन घूमे, आपको किसी ने खड़ा नहीं रखा। बात पूरी कर लीजिए तो फिर मैं बोलू। ओके, लेट मी एंड दिस। हर जी एक एक सवाल जो आपको, आप जब बोल रहे थे मैं नहीं बोला, अभी आप संजय एग्जिट पोल आ गए,
अब 8 दिसंबर को परिणाम भी आ जाएंगे। इतना क्यों आप लोग घबरा रहे हैं भाई? हर जगह हमले करवाते हैं, कैंडिडेट बैठवाते हैं, दूसरे विधायकों को खरीदते हैं, सरकारों को तोड़ते हैं, गिराते हैं। संजय जी, मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ। कम से कम चैनल पे जब मैं आपकी हालत समझ आप अपनी बात कह रहे थे, मैं नहीं बोला, मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। संजय जी, आपने आपने अपनी बात, संजय जी आपने अपनी बात रखी, लेकिन 27 साल के कुशासन से लोग छुटकारा पाना चाहते हैं।